गाइस हम लोग जा रहे हैं मोमोज वाले को ढूंढने, वो भी इतने अंधेरे में। कोई मोमोज वाला है चाइना टाउन के पास, सोनम मोमोज वाला, कहते हैं कि उसके मोमोज बहुत बढ़िया है। चलो हम देख रहे हैं, अगर मिल जाता है तो हम आपको भी दिखाएंगे कुछ देर बाद। इतने अंधेरे में है ना गाइस, आना तो सुबह आना जल्दी, रात को तो बिल्कुल मत आना। मोमोज वाला तो मिल गया, कह रहे हैं बंद हो गया। जो बर्तन साफ कर रहे हैं वो सोनम मोमोज है, ये सोनम मोमोज जो बर्तन साफ कर रहे हैं। गाइस हम लोग आए थे यहाँ पे, क्या नाम है यहाँ का, चाइना टाउन, नहीं सौर वगैरह सूप फिर भी ओके ओके है, लेकिन मोमोज बिल्कुल बकवास थे। चिकन मोमोज भी बकवास थे और वेज मोमोज भी बकवास थे, बहुत ज़्यादा बकवास थे, बिल्कुल नहीं अच्छे थे। ये कह रहे सूप फिर भी ओके है, तो कोई आए यहाँ सोच समझ के आए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। मुझे तो यहाँ का कुछ भी नहीं अच्छा लगा, ऑनेस्टली रिव्यूज़ है, मुझे यहाँ का कुछ नहीं अच्छा लगा। मैं मंचान जाऊँगी, मंचान वो तो बेस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया बेस्ट है। सिंगल हैंडेडली कॉनिका हैविंग दिस बिरयानी द होल बाउल, इसे बोलते हैं चटोरे। भाई साहब टंगड़ियाँ खा खा के ये हड्डियाँ बना दी इसने, पर अभी भी इसका पेट नहीं, कह रही एक बिरयानी और मंगाओ, हद होगी यार। ये देखो ये काट काट गए, और चिकन भी खुद ही काट के लाई लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने के, तो जहाँ मैं रुकी हूँ मैं वहीं पर नीचे आ गई मीठा खाने, तो उन्होंने कहा हमारे की खीर स्पेशल है, तो मैं आपको खीर दिखाती हूँ। ये खीर और खीर वाकई में बहुत अच्छी, मतलब इतना अच्छा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बड़ी टेस्ट है। चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आई होप, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस यार चल पड़े हैं गुड़गांव की ओर रेडी होके, तो बस मैंने कहा सुबह सुबह सबको गुड मॉर्निंग बोल दिया जाए। आज भी नैनीताल में बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बस कल हम लोग भीमताल गए थे, अब हम नैनीताल आ गए थे वापसी, तो जब हम जा रहे हैं बारिश हो रही है, अभी बारिश तो नहीं हो रही, फाइनली बारिश होने, छाते के साथ निकलने में बारिश होने वाली है। चलो मिलते हैं फिर, दिखाते हैं आपको माल रोड का लुक लास्ट टाइम जाते जाते। गाइज हम लोग चल पड़े हैं अपने घर की ओर, इतना प्यारा व्यू है, देखो कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है, हर जगह बहुत प्यारा व्यू है, थोड़ी थोड़ी रोड टूटी हुई है बट बहुत प्यारा व्यू है। सब लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा, देखो इतना प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा। तो यार ऐसे व्यू से जाने का किसी का मन कर नहीं कर रहा जाने का, बट जाना पड़ेगा, घर जाना है, सब लोग वेट कर रहे हैं, स्काई वेट कर रहा है सबसे बड़ी बात। बहुत ही प्यारा सॉन्ग और बहुत ही प्यारा व्यू, इस व्यू के साथ प्यारे प्यारे सॉन्ग है। सीट चेंज हो चुकी है, ड्राइविंग सीट पे मैं आ चुकी हूँ, और इतना प्यारा व्यू है, मैं व्यू दिखाती हूँ, गाड़ी चलाते हुए शूट करने का मजा ही कर, कितना प्यारा व्यू है ना यार। सफर का ही था मैं सफर कर रहा, यहाँ गाड़ी मतलब आराम से अपने आप चले जा रही है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा ज्यादा, बहुत ही प्यारा व्यू आ गया यार, कितना प्यारा व्यू आ गया, मजा आ गया। सौरभ कैसा लग रहा है, सौरभ किस टाइम, क्या बताऊँ क्या हो रहा है, समझ सकता ना,
मतलब ना मजा आ रहा ना, क्रूज सेट कर दिया मैंने तो, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ रही गाड़ी चलाने की। बस जहाँ ऐसे फुद्दू कट आ जाते ना, यहाँ क्रूज अपने आप हिल जाता है बेचारा। बट लेकिन मस्त है यार, रोड बहुत प्यारी है। अभी बड़ी मुश्किल से बड़ी प्यारी रोड आई है। यहाँ क्रूज सेट कर दो, आराम से चलते रहो। गुड़गांव आ रहे हैं तो कमिंग बैक टू होम, कमिंग गुड़गांव इज कमिंग, गुड़गांव इज कॉलिंग। गुड़गांव वाले लोग अभी से याद करना स्टार्ट कर रहे हैं हमारे को, आ रहे हैं हम गुड़गांव। गाइस फाइनली स्टॉप लग गया है हमारा हवेली में। लेट्स सी, देखते हैं हवेली कैसा है। मेरा पर्स ले लो ना जरूर। क्या है आपका पर्स? उतर गए हैं, देख रहे हैं ये हवेली का खाना कैसा है। बताऊंगी यार कैसा है खाना, पर मुझे इनकी डेकोरेशन अच्छी लगी। यहाँ से हम सामान ले सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे। सौरभ देखो गुल्लक, छोटे छोटे गुल्लक हैं बच्चों के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। यार बचपन में देखा था किसी ने, कप सेट खेला है, मैंने तो बहुत खेला यार ये कप सेट। सौरभ देखो ये वाला ना कप सेट बच्चों को दिया जाता है, ये बहुत खेला है मैंने बचपन में। लेकिन इनकी प्यारी प्यारी चीजें है काफी, आके देखते हैं इनके पास, काफी सुंदर चीजें हैं। बढ़िया बना रखा है इन्होंने। सौरभ चल पड़े हैं, मैं भी चल पड़े हैं, चलते हैं देखते हैं कैसा है ये हवेली। गाड़ियां तो बहुत सारी लगी हुई हैं, लेट्स सी कैसा है हवेली का खाना। ओके ओके कर रहे हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा खाना, मैं बताऊंगी आपको। हवेली का लुक है सुंदर तो बहुत बना हुआ है, आई होप खाना भी उतना ही अच्छा हो। गाइज मैं ना खाना खाते टाइम कभी शूट नहीं करती, आज कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। हम लोगों ने ये पनीर की सब्ज़ी मंगवाई, हांडी पनीर, ये बहुत टेस्टी था। कड़ी है जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, मुझे नहीं अच्छी लगी। तो आप लोग यहाँ आते हैं तो लेना सोच समझ के। सौरभ से पूछते हैं खाना कैसा लगा। सौरभ को, सौरभ कैसा लगा खाना? पनीर की सब्ज़ी कैसी थी? पनीर की सब्ज़ी बढ़िया थी, सौरभ को भी बढ़िया लगी, मुझे भी बढ़िया लगी। कड़ी नहीं अच्छी लगी, पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगी। अब हम खाना खाने के बाद मिलेंगे थोड़ी देर बाद। गाइज मैं हवेली में आई थी ना, खाना तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ ये मैं भैया के शॉप पे आई हूँ और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मैंने इनके यहाँ से ये बेल खरीदी है, ये वाली बेल काफ़ी अच्छी लग रही है। भैया हैं तो यहाँ पे किसी को ख़रीदना तो सामान खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मुझे बेल अच्छी लगी, थोड़ी यूनिक सी लगी तो मैंने इसलिए परचेज़ कर ली। आवाज़ पर जाके दिखाती हूँ, देखो कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। खरीद ली, मेरे को डिफरेंट लगी तो मैंने ले ली। तो आप लोग अगर कुछ परचेज़ करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, हवेली के जस्ट सामने ही है ये। खाना तो एज यूजुअल महा बकवास था, बस पनीर थोड़ा बहुत। अभी दिखाती हूँ आपको, छुप से रहे हैं सूरज चाचा जी, जैसे ही आएंगे वैसे दिखाती हूँ। ये रहे हमारे सूरज चाचा जी, ये रहे हमारे सूरज चाचा जी, जाने वाले हैं फिर अपने चंदा चाचा जी को भेजेंगे। सौरभ डिफाइन करेंगे, करो करो करो, बताओ बताओ तो किसको भेजेंगे? चाचा जी जाने वाले हैं और चंदा मामा को भेजेंगे। ओके फाइन, देखिए जरा कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहे हैं सूरज चाचा जी जाते हुए। क्रेटा ऑटोमेटिक भी एवरेज देती है, आप देख सकते हो। हाँ। 15 की एवरेज दे रही है भाई हमारी गाड़ी, इस टाइम सही चल रही है, मतलब बेस्ट है यार। क्रूज लगने के बाद तो दे देती है एवरेज, बेस्ट रहता है। कुछ ड्राइवर हमारे ऐसे हैं कि एवरेज निकाल देते हैं। गाइस फाइनली हम लोग दिल्ली में आ चुके हैं और आप राइट साइड देख रहे होंगे कितना जाम है, कितना जाम है, इतना जाम। अब लग रहा है कि हाँ ये हमारा दिल्ली है, क्योंकि जाते टाइम तो बिल्कुल भी जाम नहीं था और आते टाइम जाम ही जाम। G20 अब G20 भी खत्म हो गया तो जाम तो लगना ही था। देख लो गाइस कितना जाम, मतलब गाड़ियां बिल्कुल रुक सी गई। क्या हो गया सर, इतना जाम लग गया यार, देखना पीछे से मैं देखती आ रही हूँ, मतलब गाइस इतना जाम, हाईवे पे बिल्कुल स्टिक हो गई गाड़ी, मतलब चिम्बक से चिपक गई हूँ। हमारी तो चल रही है, हाँ खुशी है वैसे, सही कह रहा सौरभ, यार खुश मनाओ हमारी चल रही है, थैंक गॉड हमारी चल रही है यार। देखो जाम देखो गाइस, कुछ आ रहा होगा गाजियाबाद की तरफ, गाजियाबाद क्या है यहाँ से तो नोएडा की तरफ तो कितना जाम है लिटरली।
जाम ही जाम। गाइस देखो मैं गाड़ी से स्पेशली उतरी हूँ, ठीक है, मतलब आप लोगों को ये व्यू दिखाने के लिए। व्यू देखो कितना प्यारा है यार, कितना प्यारा व्यू है। सब लोग रुके हुए हैं, सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं यार, कितना प्यारा व्यू है। अल्टीमेट व्यू, दिल्ली का G20 का व्यू है ये। सौरभ भी आ गए फोटो खिंचवाने। कितना ही प्यारा व्यू है, देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। चल पड़े हैं हम गाड़ी की ओर। व्यू लग रहा है बहुत ही प्यारा, हर जगह इन्होंने व्यू बहुत प्यारा कर रहा है। गाइज आपने मेरे फर्स्ट ब्लॉग में तो देखा ही होगा कि जाते टाइम दिल्ली की हालत क्या थी और आते टाइम दिल्ली की हालत क्या है। फिर वही दोबारा से जाम, ट्रैफिक हद से ज़्यादा लगी नहीं रहा कि यहाँ G20 हुआ भी था। वही सब चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो गई। पता नहीं यार कुछ डिफरेंट कब होगा इस गुड़गांव दिल्ली में, कि जाम वाम नहीं मिला करेगा, लोग आराम से जाएंगे जाएंगे G20 कुछ बोलना चाहेंगे। G20 के टाइम AQI दिल्ली का 140 रिकॉर्ड किया है कि 135, और आप देख लो अब बुरे हाल होंगे, अब जबरदस्त पॉल्यूशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। साले तो छोले भटूरे की दुकानें दिल्ली की बंद थी, बताओ। सौरभ के मुँह में पानी आ गया, मेरे मुँह में पानी नहीं, अपना देखो फेवरेट आपके है। यार बिल्कुल ही हद है यार, दोबारा से जाम में तो इतना सिर में दर्द हो गया यार। मैं नैनीताल में ठीक थी, यहाँ आते ही सिर में दर्द हो गया, सच में बता रही हूँ गाइस, बहुत ज्यादा सिर दर्द कर रहा है। शूट करने का मन नहीं कर रहा, चलो घर जाके मैं आपको कॉफी बना दूंगा। एनीवे गाइस इस ब्लॉग को आज मैं यहीं खत्म करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे ब्लॉग्स को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम कल एक नई शुरुआत के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।